मध्य प्रदेश के रीवा जिले के रायपुर करचुलियान जनपद पंचायत अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह लालजी ने क्षेत्र का दौरा किया, जहां उन्होंने विकास कार्यों का निरीक्षण किया और इसी के साथ क्षेत्र से मिल रही शिकायतों को लेकर अधिकारियों को जल्द से जल्द निराकरण करने का निर्देश भी दिया है। मध्य प्रदेश के रीवा जिले के रायपुर करचुलियान जनपद पंचायत अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह लालजी ने क्षेत्र की ग्राम पंचायत लोवा कोठार, लोवा लक्ष्मणपुर, कुशहावा व सगरा आदि गांव का सघन दौरा किया। इस दौरान उन्होंने निर्माणाधीन विकास कार्यों का निरीक्षण किया और क्षेत्र से मिल रही शिकायतों के संबंध में स्थानीय कर्मचारियों व अधिकारियों से तत्परतापूर्वक निराकरण करने हेतु निर्देशित किया। चर्चा के दौरान उन्होंने खुद स्वीकार किया कि क्षेत्र में हुए कार्य संतोषजनक नहीं है। पूर्व सरपंच के कार्यकाल में निर्मित आंगनबाड़ी केंद्र सगरा का उन्होंने निरीक्षण करने के पश्चात कहा कि उक्त भवन में शौचालय के स्थान पर महज सीट भर बैठा दी गई है, टैंक व दरवाजा तक नहीं लगाया गया, जो विषय कार्रवाई योग्य है। उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों से पत्र व्यवहार करने की बात कही है। अब देखना ये है कि वरिष्ठ अधिकारी इस क्षेत्र में क्या कार्रवाई करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एचबीएन न्यूज। क्षेत्र में जनपद पंचायत रायपुर करचुलियान के जनपद अध्यक्ष श्री भूपेंद्र सिंह जी क्षेत्रीय भ्रमण पर थे। उन्होंने विभिन्न विकास कार्यों का विभिन्न पंचायतों में उन्होंने दौरा किया, कार्यों का निरीक्षण किया, प्राप्त शिकायतों का भी उन्होंने निराकरण किया। मैं क्षेत्र से संबंधित सभी समस्याओं एवं विकास कार्यों के संबंध में सीधे उनसे बात कर रहे हैं। साथ में हैं आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी। आज आपने क्षेत्र का दौरा किया, अपनी हमारी पंचायत जो लौवा कोठार है उससे कुछ शिकायती आवेदन आई थी और अपने सगरा पंचायत वहाँ जाके हम लोग अपना क्या नाम है खेल सड़क, खेल मैदान और ये तालाब और एक रोड और वहाँ के स्कूल भी हम लोगों ने निरीक्षण किया। उसमें वास्तव में कुछ तो गलत हैं, कुछ सही पाए गए और उसमें कुछ जगह अपने हमारे एजेंसी साथ में थे उसमें कार्रवाई के लिए प्रस्तावित हुआ है लोग कोठार का। और दूसरा आपके एक सगरा में जो सिरमौर रीवा रोड है इसमें 2018 में हमारी करीब 5 लाख की नाली का स्वीकृत हुई थी पंचायत ने जिसे, तो उसको हम लोग देखे तो बिल्कुल नहीं बनी है, पैसा उसका निकला हुआ है। उसमें भी एक नोटिस होगी, सरपंच साहब साथ पे थे, ये हुआ कि भाई इसका पैसा जमा करो, इसके जो पैसा आप जमा कर देंगे शेष जहाँ हमारे आवश्यक है नाली बनना है तो वहाँ नाली बन जाए। कार्यालय के बाउंड्री का मामला आया, पंचायत कार्यालय है तो दो या तीन तरफ हमारी बिल्कुल पूरी तरह से डिस्प्यूटेड है, तो सरपंच साहब और सचिव को दिशा निर्देश दिए कि आप तुरंत काम लगाओ। और जो ये रायपुर और सगरा रोड है इसमें सीमा के विवाद है, तो माननीय कलेक्टर महोदय से हम चर्चा करेंगे कि वो दोनों राह के हथियार भी लेंगे, लोकन कर लेंगे, इसका निर्णय ले लेंगे, उसको छोड़ के बाकी सिर्फ लीजिए काम लगाए। एक आंगनबाड़ी देखे जो आज पहले की बनी थी, जिनके पूर्व सरपंच साहब ने बनाया है, आने पौने वहाँ शौचालय बनाए हैं, शौचालय के तो आंगनबाड़ी का उसमें केवल उन्होंने एक दीवार खड़ा कर दिया, छत डाल दिया, उसमें उसका गड्ढा भी नहीं बनाया है, शौचालय के लिए सीट रख दिए हैं, पानी की व्यवस्था की है और न गेट रख दिया। वहाँ के लिए भी दिशा निर्देश दिए हैं कि कंटेजेंसी बिल से पंचायत में से तो गेट लगाया गया वो सुचारू रूप से बन जाए और 200 मीटर वहाँ के लिए हमारे बोले कि नाली वहाँ हाजीनाथ वासी हैं अपनी आंगनबाड़ी तो नाली बन। क्षेत्र में विकास के कई कार्य चल रहे हैं, हाँ जैसे वहाँ अवलोकन किया है, स्थिति क्या रही? स्थिति बहुत अच्छी रही है, जैसा होना चाहिए, जैसे सरकार हमें पैसा दे रहे हैं रुपये दे रहे हैं पूरी मल्टी हो रही है उस हिसाब से नहीं उस हिसाब से नहीं। तो इसी में आगे अंतर्गत ग्राम पंचायत सगरा के आंगनबाड़ी केंद्र क्रमांक 5 के निरीक्षण के दौरान हम लोग भी आए थे। हमारे साथ अभी इस आंगनबाड़ी केंद्र में आए थे जनपद पंचायत रायपुर करचुलियान के अध्यक्ष आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी,
अभी उन्होंने यहाँ की विभिन्न समस्याओं के बारे में आप लोगों से भी चर्चा करी है, स्थितियों का मुआयना किया है। आप लोगों ने जो समस्याएं बताई हैं उसके निराकरण के लिए माननीय अध्यक्ष जी द्वारा क्या आश्वासन दिया गया? क्या नाम है आपका? शुभ नाम? मेरा नाम गीतांजलि मिश्रा है, मैं यहाँ पर्यवेक्षक हूँ सगरा सेक्टर में। जी अध्यक्ष महोदय से हमने अभी अपने यहाँ की सभी आंगनबाड़ी केंद्रों की समस्या बताई है, जहाँ जहाँ शौचालय टूटे हैं, हैंडपम्प नहीं है, बाउंड्री नहीं है, तो उन्होंने आश्वासन दिया कि आप एक लिखित दे दीजिए, फिर हम उसको फॉरवर्ड करके और आप लोग की समस्या का निदान करेंगे। खासकर सगरा क्रमांक 5 में उन्होंने कहा कि हम मतलब टैंक नहीं है, तो टैंक व्यवस्था प्लस दरवाज़ा टूटा है वो, और पानी की व्यवस्था यहाँ करके जाएंगे। क्या क्या समस्याएँ यहाँ पर हैं इस आंगनबाड़ी पे, धुरी अंटोला पे? शौचालय टूटा हुआ है, सीट नहीं है उसमें, टैंक नहीं है, प्लस दरवाज़ा टूटा है पीछे साइड का, बाउंड्री उन्होंने कहा पीछे तक करने के लिए, और मेन पानी की समस्या हो रही है, तो उन्होंने कहा कि हम करवाएंगे इसको। ठीक, धन्यवाद।